Hey everyone, this is Sonia Joyce and welcome back to my channel. और आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो है एक चैलेंज वीडियो है, थोड़ा डिफरेंट वीडियो है. आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया. इट इज पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस वर्सेज इंडियन एक्ट्रेसेस, टॉप 10 ब्यूटिफुल पाकिस्तानी एंड इंडियन एक्ट्रेसेस. ओके, सो आई थिंक चैलेंज होगा कि मुझे चूज करना होगा इनमें से कि एक पाकिस्तानी एक्टर होगी और एक इंडियन, और मुझे चूज करना होगा दोनों में से कोई एक. सो ओके, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई एम नॉट काइंड ऑफ अ डाई हार्ट फैन टाइप पर्सन. आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग एनी यू नो एक्ट्रेसेस. मैंने बचपन से ही कभी किसी एक को फॉलो नहीं किया. मैं ओवरऑल एक पैकेज में सबको लाइक करती हूँ. किसी की मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है तो किसी की ड्रेसिंग सेंस बहुत पसंद है. सो आई लाइक एक्ट्रेसेस फॉर डिफरेंट रीजन, एंड कोई एक ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ. सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा जो रिएक्शन है वो बहुत ऑनेस्ट आने वाला है. सो आई एम एक्साइटेड टू सी दिस वीडियो. सो विदाउट एनी फर्दर एडियो, okay, I forgot to sort this out, these earphone. So let's play. Pakistan versus India. Okay, number 10. Sajal Ali. सजल अली एंड फातिमा सना शेख. ओके, फातिमा सना शेख की मैंने एक ही मूवी देखी है, दंगल, और सजल अली की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है और मैंने इनके बहुत सारे सीरियल देखे हैं, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. इनिशियली मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगती थी, बट लेटेस्ट अलिफ के बाद आई एम बिग फैन ऑफ हर एक्टिंग. सो आई चूज सजल अली. Okay. Right. So Hania Amir and Sara Ali Khan. So Hania Amir के मैंने बहुत कुछ सीरियल्स नहीं देखे हैं, but yes, lately काफी न्यूज में नहीं है ये, तो मैंने बहुत बार इनको देखा है. इनके एक vlog पे भी मैंने react किया है. सारा अली खान का मैं इंस्टाग्राम फॉलो करती हूँ. एक्टिंग की मैं बहुत बड़ी फैन इनकी नहीं हूँ, यस, पर इंस्टाग्राम पे इनकी पोस्ट मैं जरूर देखती रहती हूँ. सो हानिया आमिर, आई चूज हानिया आमिर. कुबरा खान, डोंट नो अबाउट हर. कृति सेनन, ओके. सो मुझे कृति सेनन की एक दो मूवीज मैंने देखी हैं, कुबरा खान का. Okay, I go with Kriti Sanon on this. बहुत कोई रिसर्च वाला रिएक्शन नहीं है, इमीडिएट ऑन स्पॉट एक जो भी दिमाग में आ रहा है मैं उसी हिसाब से चूज कर रही हूँ. ऑल राइट, एमन खान एंड जैकलिन फर्नांडिस. आई विल गो विद जैकलिन फर्नांडिस, आई थिंक सो. ओके, शी इज वेरी ब्यूटिफुल, शी इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. But I will still go with Jacqueline Fernandez. Honest reaction, guys, okay? दोनों को ही मैं बहुत ज्यादा मूवीज भी नहीं देखी हैं, इकरा अजीज और दिशा पटानी. Okay, दिशा पटानी, not a big fan. I think I'll go with इकरा. Yeah, I'll go with इकरा अजीज. मतलब बोथ आर ब्यूटिफुल, मतलब एक जैसी ही लग रही है ऑलमोस्ट. फिफ्थ, हुशी, नेम नहीं आया अभी तक. ओके, अनुष्का शर्मा. आई थिंक आई एम गोना बी वेरी बायस्ड हेयर. सारा खान. अनुष्का शर्मा की मुझे एक्टिंग काफी अच्छी लगती है. सो दिस इज जस्ट बिकॉज अनुष्का को मैं बहुत ज़्यादा देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज देखी हैं, एंड विराट कोहली से उनकी शादी हुई ब्रेकअप के बाद. सो अनुष्का शर्मा, सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बायस थी. ओके, हीरामणि या नालिया भट्ट. हीरामणि, शी इज गुड, पर मुझे हानिया टीचर ज़्यादा पसंद नहीं आई थी. सो
आलिया भट्ट ने रिसेंटली बहुत इम्प्रूव किया अपनी एक्टिंग को, सो आलिया भट्ट, या आई विल गो विद आलिया भट्ट. सोनम कपूर, नॉट अ बिग फैन. आयशा खान, यस आई एम बिग फैन ऑफ हर, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है. बहुत सारे सीरियल्स देखी हैं, शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, और मतलब पता नहीं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. मुझे अभी उनसे ऊपर कोई नहीं लगता पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस में खूबसूरत. सो आयशा खान, विदाउट एनी डाउट आयशा खान. महविश हयात, कैटरीना कैफ, नॉट अ बिग फैन. आई लाइक हर ओके ओके टाइप. महविश हयात मुझे, आई चूज महविश हयात हेयर. महविश हयात के मैंने देखे हुए हैं, एक्टिंग देखी हुई है उनकी. दीपिका पादुकोण, आई एम सो सॉरी गाइज, आई विल बी वेरी बायस्ड. मायरा खान मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बट दीपिका पादुकोण इज लव. आई लाइक हर एक्टिंग, आई लाइक हर स्टाइल, आई लाइक द वे शी ड्रेस अप, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट दीपिका. सो आई एम वेरी बायस्ड हेयर. मायरा खान को मैं अभी कुछ सालों से ही देख रही हूँ, बट दीपिका को आई थिंक इट्स बीन क्वाइट सम टाइम, सो इट्स गोना बी दीपिका विदाउट एनी डाउट. सो इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. इस चैनल को भी आप ज़रूर सपोर्ट करें, और उनके चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, आई थॉरली लाइक इट, एंड माई रिएक्शन वॉज ऑन द स्पॉट रिएक्शन विदाउट एनी कैलकुलेशन. एंड मैंने जैसा कि पहले ही बोला था कि आई एम नॉट अ वन पर्सन्स काइंड ऑफ फैन, लाइक कि एक ही बंदे को मैं बहुत डाई हार्ट पसंद करूंगी. मैं हर एक्ट्रेसेस को बहुत अलग अलग चीज़ों की वजह से पसंद करती हूँ, और मेरा जो रिएक्शन था वो सिर्फ लुक के ऊपर नहीं था, मैं कहीं ना कहीं बायस थी एक दो लोगों के बारे में, एक दो एक्ट्रेसेस के बारे में. सो दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन. आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या स्कोर हैं इसमें, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. आई थिंक मेरे स्कोर्स टाई हैं, 5 पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस एंड 5 इंडियन. एंड बिलीव यू मी, आई स्वेयर मैंने ये प्लान नहीं किया था, ये एज इट इज किया है मैंने, बट आई थिंक इट्स अ गुड स्कोर, 5-5. सीरियसली बता रही हूँ, मैंने ये प्लान करके नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली लास्ट में जो स्कोर है वो 5-5 हो गया है. आई रियली लाइक दिस वीडियो, आई इन्जॉयड. अगर ऐसे कोई चैलेंजेस वीडियो और हैं तो मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मैं पक्का उन पर रिएक्शन बनाना चाहूँगी और वीडियोज़ देखना चाहूँगी. सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं, और हाँ, आपको कैसा लगा, आपके स्कोर क्या थे, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है. आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई टेक योर लीव नाउ, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सो टेक केयर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ.